जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो शुरू में ही अपनी हार मान चुके हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों से साफ जाहिर हो रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल जी ने कहा है कि जो हमारी सरकार को लेकर जिस तरह से वो आक्षेप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उनको अपना समय याद करना चाहिए कि क्या वजह थी कि जब वो विधानसभा सत्र चल रहा था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो वो उस बात को याद करें। और जिस तरह के आरोप उनके सरकार में लगे और वो साबित भी हुए तो वो उन बातों को याद करें। जनता भूली नहीं है और जनता को सब याद है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। आप इंतज़ार करिए, परिणाम के बाद आपको पता लग जाएगा कि जनता ने आपके द्वारा जिस तरह से जो निराधार आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब जो है जनता मत का प्रयोग करके देगी। अंतिम चरण में है, मंथन चल रहा है और कुछ एक आध दिन में उम्मीदवारों की घोषणा संभव है और हम लोग पूरी तरह से जो है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो चुनावी रण में कूद चुका है और हमारा लक्ष्य है कि चारों की चारों सीटें लोकसभा की जो है वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे और जो हमारे 6 उप चुनाव जो विधानसभा के होने हैं जो थोपे गए हैं मैं समझता हूँ तो उसमें भी हम 6 की 6 सीटें जो है जीतने जा रहे हैं। आज जिस तरह से जो रिस्पॉन्स आज मिल रहा है मैं समझता हूँ कि ये आज आने वाले समय में ऐतिहासिक परिणाम जो है प्रत्याशी परिणाम से सामने आएंगे। 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है जो ये इनपुट आया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई है और जो वो नारा दे रहे थे 400 पार का वो धराशायी हो गया है इन पहले 2 चरणों में ही और आने वाले समय भी ये ट्रेंड बन गया है और जनता जान चुकी है। जनता ने उनको मौका दिया था, जनादेश दिया था, लेकिन ये जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे हैं। आज कोई भी वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, आज त्रस्त है और इतने समय में जो इनका ये कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का तो इन्होंने कोई भी जनहित की योजनाएं जो है वो धरातल पर नहीं लाई और देश को पीछे धकेला और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर जो है क्षेत्र के नाम पर जो है राजनीति करते रहे। समाज को विभाजित करने का प्रयास जो इन्होंने किया है आज देश की जनता और प्रदेश की जनता जान चुकी है और इसका परिणाम जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है।